आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा कश्मीर के हालात से जुड़ा हुआ है। पूरे 85 दिन हो चुके हैं कश्मीर को, जब कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया। 370 आर्टिकल कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था और भारत से अलग रखता था, एक संधि के साथ भारत से जुड़ा हुआ था। लेकिन 370 को हटाया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में इसको लेकर के बिल पेश किया, उसके बाद लोकसभा से इसको पास कराया गया और आर्टिकल 370 एक इतिहास बन गया। तभी से कश्मीर के हालात गंभीर हैं और कश्मीर में लॉकडाउन है। हालांकि कश्मीर को लेकर के सरकार के बयान आते रहे कि सब कुछ वहां पर सामान्य है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कश्मीरी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ना उनके रहने सहने में, ना उनके कारोबार में। और अमित शाह ने बाकायदा ये दावा भी किया कि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन क्या सब कुछ वाकई में कश्मीर के अंदर सुकून से है? क्या वाकई में कश्मीर में कोई असर नहीं पड़ा है? पिछले 85 दिनों से लगातार लॉकडाउन का क्या असर हो सकता है? उसका एक नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कश्मीर पर इस लॉकडाउन का क्या असर हो रहा है। 5 अगस्त को बाकायदा ये कानून लाया गया था, जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया। 5 अगस्त से लेकर अभी तक पूरे 85 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वहाँ के बाज़ार नहीं खुले हैं पूरी तरह से। पूरी तरह से नेटवर्क्स नहीं खुले हैं, पूरी तरह से इंटरनेट नहीं खुला है, बाज़ार बंद हैं, कारोबार बंद हैं। इसी को लेकर के अब कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से एक बाकायदा डेटा दिया गया, जिसमें कहा गया है कि करीब 10,000 करोड़ के कारोबार का नुकसान हुआ है पिछले 85 दिनों में। कश्मीर में जो हालात हैं उसमें सुबह में 1 घंटे के लिए मोहलत मिलती है, बाज़ार खुलते हैं, उसके बाद लोग अपना सामान खरीदते हैं, चले जाते हैं, फिर शाम में 1 घंटे की मोहलत मिलती है, फिर बाज़ार जाते हैं, बाज़ार खुलते हैं, लोग खरीद फरोख्त करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो बातें बताई गई वो गंभीर हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। 2-3 चीज़ें जो बड़ी थी वहाँ पे, सबसे पहली चीज़ टूरिज्म था, टूरिज्म को एक बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी जो चीज़ थी वहाँ पे, वो बुनकर हुआ करते थे, करीब 50,000 बुनकर ऐसे हैं जिनकी नौकरियाँ खतरे में हैं। नौकरी मतलब जो उनको प्राइवेट नौकरियाँ मिला करती थी, क्योंकि कश्मीर में ख़ास तौर से जो पश्मीना शॉल होता है वो कश्मीर में मिलता है, उसके अलावा जो फेरन होता है ख़ास तौर से, जो कश्मीरी बुनाई का होता है बना हुआ, और जो कश्मीरी शॉल होते हैं, क्योंकि उसके बड़ी तादाद में लोगों को ऑर्डर्स मिला करते थे। अब क्योंकि कश्मीर में लॉकडाउन है, इसलिए वो ऑर्डर ही नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए बुनकर भी थाली बैठे हुए हैं, उनका भी कारोबार नहीं चल रहा है। तो जो लोग उनके यहाँ काम करते थे उनको भी नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं। करीब करीब 50,000 लोगों की नौकरियाँ हैं जो दाव पर लगी हुई हैं। इसके अलावा जो बाहर की कंपनीज़ के लिए लोग काम करते थे थ्रू द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पिछले 85 दिनों से लगातार जो है वो डाउन पड़ा हुआ है, उसकी वजह से, इंटरनेट ना चलने की वजह से वो कनेक्शन भी ख़त्म हो गया और उसकी वजह से वो कारोबार भी ठप हो गया। प्लस पिछले दिनों एक और रिपोर्ट आई जिसमें कश्मीरी जो स्थायी लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने सेब के कारोबार को भी रोक दिया, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का और सेब का भी बड़ा कारोबार कश्मीर के अंदर होता है। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी सामने नज़र आई हैं और बाकायदा कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो ये आंकड़ा दिया गया है कि पिछले 85 दिनों में करीब 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो ये अपने आप में एक गंभीर रिपोर्ट है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से देश की आर्थिक स्थिति चल रही है, जिस तरह से बैंक्स का जो है बैंकरप्सी के हालात चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, ऐसे में 10,000 करोड़ का नुकसान सरकार कैसे झेल पाएगी? या कोई भी स्टेट भारत का अगर 10,000 करोड़ के नुकसान में कारोबार चाहता है, तो अपने आप में वो चिंता का विषय है। आगे हालात क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी, सरकार कितनी गंभीरता से कश्मीर के हालात से निपटती है और क्या वाकई में कश्मीर में हालात सामान्य हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगी, ये भी वक्त पर ही पता चलेगा आने वाले में। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से लेगी और गंभीरता से सोचेगी कि कश्मीर के हालात को कैसे बेहतर किया जाए। लेकिन जो हालात कश्मीर में चल रहे हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि सब कुछ सामान्य है कश्मीर के अंदर? क्योंकि सरकार का दावा है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन जो चैम्बर कॉमर्स, जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो रिपोर्ट आई है, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है सरकार की कारकर्दगी पर भी, कि क्या वाकई में जो दावे सरकार की तरफ किए जा रहे हैं,
की तरफ से किए जा रहे हैं वो वाकई में सही हैं या फिर कहीं ना कहीं उनमें खोखलापन तो नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे मामले में, आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।